हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का एक और नया क्वेश्चंस। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा एक क्वेश्चंस। चलिए इसको रीड करते हैं क्वेश्चन को कि बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000। ठीक, यानी कि क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि बैंक बैलेंस जो है कैश बुक का वो शो कर रहा है 49,000 का, वो भी कब? 30 जून 2017 को। ठीक, बैंक स्टेटमेंट ऑफ पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹37,400, यानी कि जो बैंक की स्टेटमेंट है पासबुक की वो क्रेडिट साइड शो कर रही है कितनी? 37,400 की। ठीक, एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक वर कंपेयर्ड एंड फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस्ड। ठीक, तो अब ये जो डिफरेंस आया कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 49,000 और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो शो कर रहा है 37,400। ठीक, तो अब इनके बीच में जो डिफरेंस है हमें उसी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और बैलेंस को मैच करना है। तो चलिए बनाते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और वो भी ये कब का बनेगा? एज ऑन 30 जून 2017 का। ठीक, फिर फॉर्मेट बनाएंगे जल्दी से। फिर इस साइड आ जाता है पर्टिकुलर्स, इस साइड आ जाता है प्लस, इस साइड आ जाता है माइनस। ठीक, शो क्या कर रहा है? कैश बैलेंस शो कर रहा था कितना? 49,000 रुपये का। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैलेंस एस पर कैश बुक कितना शो कर रहा था? 49,000। ठीक, फिर क्वेश्चन में सबसे पहली यहाँ पे गिवन है डिफरेंसेस कि चेक ऑफ श्याम ₹9,000, एक चेक था श्याम का कितने रुपए का? 9,000 का, एंड मोहन का था 15,000 का। ठीक, वर डिपॉजिट बट वेयर नॉट कलेक्टेड अप टू 30 जून 2017। इस क्वेश्चन के सेंटेंस को समझना कि एक चेक था किसका? श्याम का और एक मोहन का, जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक, लेकिन वो जो बैंक में डिपॉजिट करा उन्होंने वो कलेक्ट 30 जून के बाद ही करा अमाउंट। इट मीन्स हम लोग ये बना कब की रहे हैं कैश बुक? 30 जून 2017। ठीक, हमने क्या कर दिया होगा? हमने तो अपनी कैश बुक में बैलेंस को बढ़ा दिया होगा, लेकिन 30 जून के बाद बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ा, तो क्या 30 जून तक हमारा बैलेंस बढ़ गया होगा कैश बुक में? जी नहीं। तो अब हमें क्या करना है? हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मैच करना है, तो हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। ठीक, तो माइनस में कितने आ जाएगा? देखिए, एक तो आ जाएगा श्याम का और एक आ जाएगा किसका? मोहन का। श्याम का कितना था? श्याम का था 9,000 और इसका था 15,000। ठीक, पहली एडजस्टमेंट क्लियर। अब देखिए, राम रमेश, रमेश अ डेटर, एक ही रमेश है जो हमारा डेटर है। ठीक, डेटर का मतलब हमें जिनसे पैसा लेना होता है। उसने क्या करा? डिपॉजिट अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक, यानी कि उसने क्या करा? हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दिया, तो हमें तो पता ही नहीं चला, जिस कारण क्या होगा? हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा और हमारा कैश बैलेंस घटा हुआ दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें कैश बुक को पासबुक से मैच करना है ना, तो हम भी क्या कर देंगे? अपने कैश बैलेंस को बढ़ा देंगे। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, आप एक छोटी सी कैश बुक बनाना और एक छोटी सी पासबुक बनाना। ठीक, अब देखिए, एक रमेश था, हमारा डेटर था, जिसने हमारे क्या कर दिया? अकाउंट के अंदर बैलेंस डाल दिया। ठीक, कितना डाल दिया था? 8,000। ठीक, हमें तो मालूम ही नहीं चला, तो क्या हमने कैश बुक में लिखा होगा? जी नहीं लिखा होगा। तो अब पासबुक का बैलेंस तो 8,000 का शो कर रहा है और कैश बुक का बैलेंस 0, तो हमें करना है क्या है? कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के साथ मैच करना है, तो हम भी क्या कर देंगे? 8,000 ऐड कर देंगे, सिंपल सा। ठीक, तो दूसरे में क्या हो गया? देखिए, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ठीक, 8,000 रुपये।
ठीक, फिर देखिए अगली ट्रांजेक्शन्स क्या गिवन है यहाँ पे। बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 500, ठीक, बैंक ने अलाउड करा इंटरेस्ट। फिर से क्या करेंगे, छोटी सी कैश बुक और एक छोटी सी पासबुक, ठीक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड करा तो वो क्या करेगा, हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ाएगा, ठीक, लेकिन हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, तो हमने तो यहाँ पे लिखा ही नहीं होगा। तो क्या हमारा यहाँ पे कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा कि घटा हुआ? भाई घटा हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे बढ़ा हुआ, तो हमें भी क्या करना होगा, हमें अब इसको इसके साथ मैच करना है, तो हमें भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो हम क्या कर देंगे, अपने यहाँ पे कैश बुक में बैलेंस को बढ़ा देंगे, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा क्या, बैंक इंटरेस्ट 500 रुपये, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है कि चेक था एक 10,000 रुपये का जो हमने इशू करा था राधे श्याम को, ठीक। वर नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, वर नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एक छोटी सी बनाइए कैश बुक, एक छोटी सी बनाइए पासबुक, ठीक। रमेश एक डेटर था जो कि जिसे हमने चेक इशू करा था, कितने रुपए का, 10,000 का। जब भी हम किसी को चेक देते हैं अपने कैश बुक में से माइनस करते हैं, लेकिन वो राधे श्याम बैंक में गया ही नहीं, तो हमारा क्या बैंक बैलेंस कम हुआ होगा? जी नहीं, जी नहीं ना। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको इसके साथ मैच करना है, तो हमें भी क्या करना होगा, भाई माइनस करा था प्लस कर दो, ठीक। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्लस कर देंगे कितने, 10,000 रुपये, ठीक। देखिए अब अगला क्या गिवन है, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या कर दिया, 6,000 से डेबिट कर दिया। छोटा सा फिर क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे और एक पासबुक बनाएंगे। बैंक ने क्या करा, हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने रुपए से, भाई 6,000 से डेबिट कर दिया, ठीक। इसका डेबिट यानी कि इसका क्रेडिट, इट मीन्स कि हमारे अकाउंट से उसने पैसे काट लिए, ठीक। लेकिन क्या हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करा, भाई नहीं करा रिकॉर्ड, हमें इसीलिए तो यहाँ पे बैलेंस हमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा, यहाँ बैलेंस घटा हुआ दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मैच करना है, तो भाई माइनस कर दो यहाँ पे 6,000 रुपये, भाई माइनस कर देंगे ना 6,000 की, बैंक ने हमारे अकाउंट से तो पैसे काट दिए 6,000, जो कि हमने ही बोला था, लेकिन हमने तो यहाँ पे कैश बुक में लिखना ही भूल गए। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें भी माइनस करना होगा, ठीक। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो जाता है कि हमने किसी को ऑर्डर दिया कि आप हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देना। हमने किसको ऑर्डर दिया था, हमने बैंक को बोला था कि हमारी एक प्रीमियम होगी 6,000 की, हम भूल जाएंगे आप कर देना, लेकिन तो बैंक ने तो कर दिया, उसने क्या करा अकाउंट में डेबिट कर दिया, लेकिन हमने करा ही नहीं। इस कारण क्या हो गया, हमारा बैंक बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन हमारे कैश में तो कम ही शो नहीं हो रहा, इसीलिए हमें यहाँ पे ये माइनस में लिखना होगा 6,000, ठीक। क्या लिख देंगे, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक। फिर देखिए एक और गिवन है, क्या चीज, बैंक डेबिटेड द अमाउंट बाय 100 बीइंग बैंक चार्जेस, ठीक। देखिए सिंपल सा था यहाँ पे, तो कैश बुक एक पासबुक, ठीक। बैंक ने क्या करा, हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया 100 रुपये से, ठीक, बैंक चार्जेस के नाम से, लेकिन क्या हमने करा है, भाई नहीं करा, तो कर दो माइनस कर दो, ठीक। तो देखिए हमने क्या कर दिया, बैंक चार्जेस 100 रुपये माइनस में लिख दिया, सारी ट्रांजेक्शंस कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक। तो सब फिर अब क्या करेंगे, इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा टोटल, अगर आप शुरुआत से इसकी टोटलिंग करेंगे 49,000, 8,000, 500 एंड 10,000, इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा आपका 49, 59, 67,000 एंड 500, 67,000 एंड 500, 67,000 एंड 500, ठीक। अब ये इसका टोटल, जितने भी टोटल आए माइनस वाले में, सब का टोटल करके 67,500 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका कितना, 37,400। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
देखा कितना सिंपल सा था, बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक लगानी है और थोड़ी सी कैशबुक की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।